हाय फ्रेंड्स, ओडिशा स्टाइल में आप सबका बहुत स्वागत है। आज एक स्किन लाइटनिंग जेल क्रीम की रिव्यू शेयर करूंगी और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक ओडिशा स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। रेजुलिन स्किन लाइटनिंग जेल क्रीम एक मेडिकेटेड क्रीम है। बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब से आप अपने मन से इस क्रीम को कभी मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्विनोन है। ये क्रीम 25 ग्राम के पैक में आता है। इसका प्राइस है 375 रुपीज़। ये क्रीम स्पेशली हाइपर पिगमेंटेशन, एज स्पॉट, एक्ने, स्कार, मेलाज्मा, अनइवन स्किन टोन को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब इस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एक्सी 10%, हाइड्रोक्विनोन 2% और कॉजिक एसिड 3% यूज हुआ है। पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का सेकेंड जेनरेशन है, जो कि स्किन के ऊपर जो डेड सेल होता है उसको हटा देता है, स्किन को इवन टोन करता है, स्किन के डीपर लेयर तक जाके स्किन सेल को रिपेयर करता है और थोड़ा माइल्ड पीलिंग भी ये करता है। और सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन एक डी पिगमेंटिंग एजेंट होता है। ये फ्रेकल्स, एज स्पॉट, मेलाज्मा को रिड्यूस करता है और हाइड्रोक्विनोन मेलानिन फॉर्मेशन को डिक्रीज करके स्किन टोन को लाइट भी करता है। इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट्स है कॉजिक एसिड। कॉजिक एसिड एक स्किन लाइटनिंग एजेंट होता है। ये स्किन को मेलानिन, जो स्किन के ऊपर जो मेलानिन पिगमेंट होता है उसको ये कम करके स्किन टोन को लाइट करता है। ये मेलानिन को भी, ये मेलाज्मा को भी ठीक करता है, एज स्पॉट को भी ठीक करता है, डार्क स्पॉट को भी ये रिड्यूस करता है और स्किन टोन को लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग भी करता है। इसमें एलोवेरा का भी यूज़ हुआ है, जो कि एक कूलिंग प्रॉपर्टीज है। स्किन इरिटेशन, सनबर्न, एक्ने जैसे प्रॉब्लम को ये ठीक करता है। ये क्रीम रिंकल्स, फाइन लाइंस को भी ठीक करता है। इस क्रीम को आप नाइट में ही लगाएं, इसको दिन में ना लगाएं और कम से कम आपको SPF 50 वाला एक सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा, चाहे आप घर में रहो या बाहर में रहो। जितना ही आप सनलाइट को अवॉइड कीजिएगा आपके लिए उतना ही अच्छा होता है। डायरेक्ट सनलाइट में आपको कभी जाना नहीं है। अगर जाओगे तो सनस्क्रीन लगा के जाइए, नहीं तो आपके स्किन में साइड इफेक्ट हो सकता है, इचिंग हो सकता है, लाल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्विनोन है। ये क्रीम बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। फ्रेकल्स, मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन जिन लोगों को, उनके लिए बहुत ही अच्छा क्रीम होता है। आपको 15 से 20 दिन में आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखने लगेगा। आपका जो डार्क स्पॉट है वो क्लियर हो जाएगा, पिगमेंटेशन जो है वो भी धीरे धीरे फेड होने लगेगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है ये क्रीम, क्योंकि एक मेडिकेटेड क्रीम है तो आपको डॉक्टर के सलाह से इसको यूज़ करना होगा। ऐसे ही आप यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल का यूज़ हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह की साइड इफ़ेक्ट होता है जैसे ईचिंग या रेडनेस, तो आप इस क्रीम को लगाना तुरंत बंद कर दीजिए और अपने डॉक्टर के साथ सलाह कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो। थैंक यू।